Chairman, Chief Executive Councillor Firoz Ahmed Khan, sir. District Magistrate Santosh Sukhdev, sir. Honorable Executive Councillor for Work, Awas and Abbas Rizvi, sir. Honorable Executive Councillor for Tourism, Munsaf Rashid, sir. Honorable Councillor Nasir Munshi, sir. Amin, sir. Aur baaki digran, mere association ke members aur yahan pe present guest, sabko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हमारे लिए यकीनन एक अनडाउटेडली हिस्टोरिक दिन और ऐतिहासिक दिन है. एमएमए एसोसिएशन के बारे में आप सबको थोड़ा एलैबोरेट करते हुए चलूं तो मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या क्या स्पोर्ट्स है सर, जो कि पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रही है और यह अभी फुटबॉल के बाद सेकेंड नंबर पर स्पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसको परस्यू कर रहे हैं और इसमें अपना करियर आगे ले जा रहे हैं. तो इस स्पोर्ट में जो है हमारे कोच मेहदी नासरी साहब बचपन से ही शौकीन रहे हैं और ईरान के दिनों से ही इन्होंने काफ़ी इसमें अपनी मशक्क़त, ब्लैक बेल्ट, डबल ब्लैक बेल्ट इनफैक्ट, और कहीं चैम्पियनशिप्स में इन्होंने अपना जो है प्रेजेंटेशन किया है और 3 गोल्ड मेडल्स इनके पास अभी फ़िलहाल है, जिसमें सुपर फाइट लीग बॉम्बे में पहले भी हुआ था, वो सुपर फाइट लीग में इन्होंने इनका एक रिकॉर्ड है 3-0 नॉकआउट करके इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था. तो उसी स्पोर्ट को इन्होंने लद्दाख में लाते हुए, चूँकि ये कारगिल से, तो कारगिल में इन्होंने एक पहल शुरू की है और उस पहल में जब इन्होंने आइडिया हमको पिच किया था कि अब यूटी बनने के बाद हमारे पास एक सुनहरा मौका है कि हम अपने एसोसिएशन को बनाएं, स्टेट से अलग होकर हम अपना एसोसिएशन का एक नाम रखें, तो एसोसिएशन को हमने जब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए ले गए. सर, जाने से पहले 2 बार मुझसे मिलने आए थे, एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए और थोड़ा गाइडेंस के लिए भी, बट आप सबको माजरत चाहूँगा बिकॉज हम जितना सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन या काउंसिल की तरफ से करना चाहते थे फाइनेंशियली, उतना इस बार नहीं कर पाए. मैंने आपको समझाया हुआ था कि फाइनेंशियल रेगुलेशंस, नए रूल्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका डिफरेंस, और हमारे हाथ बहुत ज़्यादा बंधे हुए क्योंकि बजट तो है हमारे पास बट उसको हर जगह पर खर्चा नहीं कर पा रहे थे. लेकिन काउंसिल की जो सब्सिडी स्कीम है, लास्ट टाइम इसी हिसाब से भी हमने बात की थी कि आने वाले साल से जो है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, उसको प्रमोशन के लिए, जैसे यहाँ से बाहर कोई बच्चे जाते हैं कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए या कोई ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है बिकॉज हमारे यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी नहीं है कि स्पॉन्सरशिप मिले बाहर से, या फिर इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है जिससे स्पॉन्सरशिप मिल पाए हमारे जो नए नए ऑर्गेनाइजेशन और नए नए एसोसिएशन आ रहे हैं उनके लिए. तो हम नेक्स्ट ईयर सब्सिडी कंपोनेंट से ज़रूर इसमें रखेंगे, एक कंपोनेंट रखेंगे सो दैट यहाँ से जितने प्लेयर बाहर जाना चाहते हो नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो, उन सबको हम मदद करते हैं काउंसिल की तरफ से, और वो जायज़ भी रहेगा, फाइनेंशियल कोड के हिसाब से भी रहेगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें आएगी नहीं. उसके बाद जैसे अमीन साहब ने कहा कि एक तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, तो कल ही सी साहब के साथ में हमने बात करके यहाँ पे जो नया मिनी स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल बनने जा रहा है उसकी उसका प्लान फाइनल किया है और होपफुली वहाँ पे आपके लिए भी जगह रहेगी. और इसके साथ ही ऊपर भी काउंसिल के पास में भी हमारा एक मिनी स्टेडियम टाइप बनने जा रहा है, तो शायद वहाँ पे भी हम आपको जितना सेक्शन चाहिए वहाँ पे स्पेशली एमएमए के लिए जिस हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन के चाहिए होगा वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. जो हमारे चेंजेस करना हो तो हम चेंजेस करने की कोशिश करेंगे. साथ ही में इस गेम को पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है, जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि फुटबॉल के बाद में सबसे तेज़ी से पॉपुलराइज होने वाला कोई गेम है तो आपका एमएमए मार्शल आर्ट्स है. तो लद्दाख में जैसे हमारे बच्चों ने यहाँ से जाके इतना अच्छा परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली ये नए आने वाले जनरेशन को, आने वाले यूथ्स को गाइड करेंगे और आने वाले जो भी एसोसिएशन होंगे, चैम्पियनशिप्स होगी, उसमें कारगिल से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, इसका पूरा मुझे भरोसा है और उम्मीद भी है. और आने वाले टाइम में काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की तरफ से जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी ऑब्वियसली वो हम करने की कोशिश करेंगे पूरी. आप जब लास्ट टाइम आए थे आपके मैंने Thank you.
Yeah, but at least